दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय स्वागत है दिल्ली में चलेगी तेज हवा झारखंड में बारिश जाने बिहार यूपी सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल तो दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद वे लाइकन बकरा जरूर क्लिक कर दें आप कमेंट करके बताएं ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मौसम विभाग दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान जताया है आई ने दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर चालीस से तीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने साथ ही आंधी ओलावृष्टि और हल्की बारिश का पूर्व अनुमान जताया है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान क्रमशः सा छब्बीस और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है झारखंड में अभी इसी तरह रहेगा मौसम झारखंड में अभी मौसम इसी तरह रहेगा बारिश से राहत मिलेगी मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है बीस इक्कीस बाईस और पच्चीस मार्च को गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है व मार्च को आसमान मुक्ता साफ रहेगा रहेगा मौसम अलवर शहर में बेमौसम बारिश राजस्थान के कुछ हिस्से में बारिश देखने को मिली है अलवर शहर में तेज हवा और बिजली चमकने के साथ बेमौसम बारिश हुई कब तक रहेगा ऐसा मौसम स्काईमेट वेदर के अनुसार 22 मार्च पूर्वी भारत के अधिकतम हिस्से में मौसम साफ शुरू हो जाएगा लेकिन पूर्वोत्तर भारत में ये जारी रहेगा हालांकि तेईस मार्च तक देश के पूर्वोत्तर भाग में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी शिमला में बारिश हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है यहाँ बारिश देखने को मिली जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है हिस्से में आज भी होगी बारिश आईएमडी के मुताबिक देश के कई हिस्से में आज भी बारिश होगी हरियाणा के नंदगांव बरसानसर फिरोजाबाद यूपी के सिकोहाबाद के आसपास इलाके में हल्की से मध्य तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश होगी आईएमडी के मुताबिक इन जिलों में सहसवान अमरौली बदायूं अलीगढ़ कासगंज हाथरस मथुरा मैनपुरी आगरा और डींग राजस्थान के आसपास के कई इलाके में हल्की बूंदाबांदी होगी उत्तराखंड में बर्फबारी से लौटी ठंड उत्तराखंड में पहाड़ी पर बर्फबारी तथा निचले इलाके में ओलावृष्टि बारिश के कारण पारा गिरने से राज्य में ठंड लौट आई है मौसम विभाग की माने तो अगले एक दो दिन में मौसम ऐसे ही बने रहने का अनुमान है पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके तक बारिश देश के पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है पहाड़ों से लेकर उत्तर भारत के मैदानी इलाके में पश्चिम और दक्षिण भारत के मौसम का मिजाज बदल गया है दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है दोस्तों आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब